मेरा नाम विनोद कापसे है, मैं मैकेनिकल सेकंड ईयर से बिलोंग करता हूँ। जब कोई लड़का इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है तो स्टार्टिंग के 10 दिनों में उसे किसी ना किसी लड़की से मोहब्बत हो जाती है, और कुछ बंदे इस कैटेगरी के होते हैं कि उन्हें एक दिन की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, वो डायरेक्ट दूसरे दिन लड़की के पास जाते हैं और प्रपोज करते हैं। और पता है प्रपोज करते भी है तो कैसे करते हैं? कुत्ता मर गया रजई में, मैं पागल हो गया तेरी जुदाई में, छाती नाली में बह नहीं सकता, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। अब एक दिन मैं पेड़ के नीचे बैठा था, वहां से एक लड़की जा रही थी और पीछे से एक लड़के ने सीटी मार दी। अब लड़की को लगा कि मैंने मारा, वो मेरे पास आई और बोली, मत छेड़ा कर लड़की को पाप होगा, तू भी किसी हसीना का बाप होगा। अब मोहतरमा ने फरमाया, मेरे को भी कुछ कहना था, मैंने भी कह दिया, भगवान करे तेरी बात सच्ची हो और जो मुझे बाप गए वो तेरी भी बच्ची हो। और सबसे अच्छी बात मैं एक माँ के लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि माँ एक ऐसी मूर्त है जो अपने पास रहे या ना रहे फिर भी अपने बच्चों को हमेशा दुआई देती रहती है। इसीलिए मैं एक माँ के लिए शायरी बोलना चाहता हूँ। माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका वसूल है। माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका वसूल है। दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआएं कबूल है। माँ को नाराज करना इंसान तेरी भूल है, माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। और ये भी बताना चाहता हूँ कि अपनी जुबान की हुकूमत उस पर मत चलाना जिसने तुम्हें हंसना बोलना और चलना सिखाया। कदर करो माता पिता की तो दौलत भी मिलेगी और शोहरत भी मिलेगी। थैंक यू।